भगत गौतम बुद्ध तथा संत कबीर ने अपने अपने समय पर सुधारवादी आंदोलन चलाया था। समता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को उन्होंने अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया था। कबीर ने अंधविश्वास के खिलाफ एक बड़ा जागरूकता आंदोलन चलाया था। उनके संदेशों को समानता को जन जन तक पहुँचाने के लिए गोरखपुर जिले में बुद्ध से कबीर तक की यात्रा चलाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जो IPS विनोद कुमार मल जी के द्वारा संचालित हो रहा, आइए उनसे बातचीत करते हैं और वो जानते हैं कि इस यात्रा को उन्होंने लोगों के बीच में कहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया। मेरे साथ है निगम जी हैं, जो बेहतर एक बहुत बेहतरीन कवि भी हैं और जिनकी कविताएं कोरोना काल में बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था। मैं उनसे आज बातचीत करूंगा, उनसे पूछूंगा अभी कि बुद्ध और कबीर की जो ये प्रक्रिया, ये जो यात्रा चल रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और उसके तथ्य के ऊपर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरे फाउंडेशन आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने, मैं देखा कि गोरखपुर में बहुत से मीडिया के लोग हैं लेकिन आज जो है यहाँ पे एक आप जो ऐसे लोग जो है इसको कवर कर रहे हैं आज संविधान दिवस के उपलक्ष में, जो हमारी लास्ट यात्रा का समापन होने वाला हुआ है बुद्ध से कबीर की यात्रा। तो अभी गोरखपुर से देवरिया में थी हमारी बुद्ध से कबीर की यात्रा, वहाँ पर बहुत अच्छा रहा। वहाँ के लोगों ने बुद्ध से कबीर के यात्रा में जुड़ के और प्रोग्राम को सफल बनाया। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि ये बुद्ध से कबीर की जो यात्रा है, माननीय डॉक्टर विनोद कुमार मल जी के द्वारा ये यात्रा शुरू की गई है, जो आज 6 साल से चल रहा है यात्रा हर जगह जगह पे। तो लास्ट स्टेज में आज यात्रा गोरखपुर में पहुंची हुई है। तो मैं यही कहूंगा कि ये धरती बुद्ध और कबीर की धरती है, जो मानवता, प्रेम और भाईचारा के लिए काम किए थे और पूरी दुनिया में आज भी बुद्ध और कबीर को जानने वाले लोग हैं। मैं कबीर साहब की एक लाइन मैं आपसे शेयर करूंगा कि पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो जीवन में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रेम एक दूसरे से होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, मानवता होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। जो आज का दौर चल रहा है, जो धर्म, जाति और राजनीतिकरण करके जो लोगों में एक तरह से नफरत फैलाई जा रही है, उस युग में ये बुद्ध से कबीर की जो यात्रा है वो इस दुनिया में एक मिसाल कायम कर रही है कि लोगों को मानवता, प्रेम और भाईचारा का संदेश दे, एक दूसरे के दिलों में प्रेम भर रही है और यही हम लोगों की यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। आप लोगों ने जो है बुद्ध और कबीर और लास्ट आज समापन के समय अंबेडकर जी को भी आपने जोड़ा संविधान महोत्सव के रूप में, संविधान दिवस के रूप में। तो आज संविधान दिवस भी है और पूरा भारत संविधान दिवस मना रहा, तो इस पे पूरे समाज के लोगों को, पूरे भारतवासियों को क्या संदेश देंगे संविधान दिवस? बिल्कुल, देखिए हम अम्बेडकर को और अम्बेडकर जी के कार्यों को कभी भुला नहीं सकते, क्योंकि अगर बुद्ध और कबीर को कोई जोड़ता है और बुद्ध और कबीर चाहे किसी भी धर्म के लोगों को अगर कोई जोड़ता है तो हमारा भारत का संविधान है, जो ये हक देता है कि इस देश में हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर तरह के लोग उस संविधान की बदौलत आज एक हैं। समता मूलक समाज, स्वतंत्रता, भाईचारा सिखाता है, तो भारत के संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारत के संविधान का सम्मान करना चाहिए और लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने घरों में भारत का संविधान रखिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताबों को पढ़िए और भारत को एक खूबसूरत भारत बनाने में बुद्ध से कबीर तक आयुष्मान इंडिया के साथ जुड़कर बेहतर भारत का निर्माण करिए। इस बुद्ध से कबीर की यात्रा में थीम सॉन्ग जिन्होंने दिया है वो मेरे साथ हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले मेरे फाउंडेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप सबका, सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आदित्य राजन बुद्ध से कबीर तक संस्था का एक सक्रिय सदस्य हूं और जो इस संस्था का बैंड है बुद्ध से कबीर तक बैंड, उसका संयोजक हूँ। और फिलहाल इस वर्ष की जो यात्रा थी उस यात्रा को मैं देख रहा हूँ, लोकेट कर रहा हूँ। अगर सर मेरे साथ हों और वो सांग ना हो जिस सांग से चर्चित हुए, मैं चाहूँगा कि सर उस कड़ी को थोड़ा सा गुनगुनाएं मेरे साथ। जी, वो गीत है हम लोग का ध्येय गीत एक तरीके से कह सकते हैं, उसका एक दो पहली लाइन में सुनाता हूँ। इस जहाँ से उस जहाँ तक, इस जमीन से आसमां तक, इस जहाँ से उस जहाँ तक, इस जमीन से आसमां तक जाना है,
जाना है हमें बुद्ध से कबीर तक, बुद्ध से कबीर तक। जो है हम लोग का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है बुद्ध से कबीर तक, आप उसको सर्च करेंगे उस चैनल पे आपको ये गीत मिल जाएगा। हमारे बाकी गीत भी मिल जाएंगे उस पे, और अन्य जो संभाषण है इससे रिलेटेड डॉक्टर विनोद मल्स के, जो हम हमारे संरक्षक हैं, उनके स्पीचेस वगैरह और हमारे गीत सारे उस चैनल पे हैं, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। बुद्ध से कबीर की जो सफ़र है, इस सफ़र में आपकी शुरुआत कैसे हुई सर, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। आज से 4 साल पहले मैं जुड़ा था इस यात्रा से। दरअसल इस बैंड में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे और उसमें कुछ कलाकारों की ज़रूरत थी, तो किसी न किसी तरीके से हम लोगों से संपर्क हुआ, संस्था के लोगों से, देवयानी जो हैं संस्था के समन्वयक, उनसे संपर्क हुआ। तो हम लोगों ने एक शुरू में कार्यक्रम किया, 2-3 कार्यक्रम किए, और फिर मुझे ये संस्था का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि एकता, सद्भावना, शांति, प्रेम के लिए ये यात्रा चलाई जा रही है, ये आंदोलन चलाया जा रहा है। तो वो मुझे बड़ा कनेक्टिंग लगा और मुझे लगा कि एक देश का एक नागरिक होने के नाते मुझे इस मुहिम में जुड़ना चाहिए। तो मैं सबसे पहले कलाकार के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में जुड़ा, और बाकी अपने जो कलाकार का जो दायित्व होता है उससे जुड़कर भी मैंने काम करना शुरू किया। तो ये जुड़ाव अभी तक है और आगे भी रहेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है एक खूबसूरत समाज बनाना है, जो जिसमें भाईचारा हो, सब लोग मिलजुल कर रहें, अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो साझी संस्कृति है, उसको हम लोग मजबूत करें। जो हमारे देश में विविधता है, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता है, उस विविधता को रिस्पेक्ट करना सीखें, उस विविधता को सेलिब्रेट करें। हमारे देश की खूबसूरती ही सतरंगी संस्कृति की खूबसूरती है। इस जो विविधता है, इस विविधता के कारण से लड़ाई ना हो, विविधता समाज को मजबूती देती है, खूबसूरती देती है। तो हम इसी सिद्धांतों को, और यही सिद्धांत जो हमारे संविधान में सन्निहित है, जो कि डाइवर्सिटी पे, सेकुलरिज्म पे, बहुसंस्कृतिवाद पर आधारित है, साथ ही साथ व्यक्ति को समता, समानता, स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, इन सब चीज़ों को मजबूत करने के लिए बुद्ध से कबीर तक यात्रा का आयोजन किया जाता है। उसके कार्यक्रम पूरे साल चलते रहते हैं, तो साल का मुख्य कार्यक्रम है जो 5 दिन का हुआ, अन्यथा पूरे वर्ष कुछ न कुछ कार्यक्रम बुद्ध से कबीर तक के चलते हैं। जो कहीं ना कहीं जो है ये जो कड़ी थी, कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही थी, विचारधाराएँ जो है भगवान बुद्ध की जो विचारधारा थी, उनकी जो तथ्य थे, उन तथ्यों को कबीर साहब की जो तथ्य थी, बाबा साहब की जो तथ्य, उन्हें जिंदा करके आगे ले जाने की जो कड़ी थी, उसको जो है बुद्ध से कबीर की यात्रा पूरा कर रही है। साथ में एक चीज़ और देखने के लिए मिला था कि बाबा साहब ने जो है बुद्ध और कबीर के बीच में जो कड़ी थी, जो एक समानता, महिलाओं को साथ में लेकर के चलने का जो अधिकार था, मानव बाबा साहब ने उन सारी चीज़ों को जोड़ा और वहाँ से बहुत बड़ी सीख मिली, जिन्होंने संविधान में उन्होंने पिरोया भी और सबको एक बेहतरीन अधिकार दिया। साथियों, आज संविधान दिवस और संविधान दिवस के दिन बुद्ध और कबीर की यात्रा समाप्त हुई, और इसमें हम सभी लोग उपस्थित रहे।